जेई नाइनटी टी वन का प्यारा सा प्रॉब्लम तो आइए पहले प्रॉब्लम को समझते हैं देखिए यहाँ पर आपको गिवन है एक थिन कॉन के वो कॉन्वेक्स लेंस जो कि ग्लास से बना हुआ है और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है रेडियस ऑफ कर्वेचर है दोनों सरफेस की डिफरेंट है एक की आपकी ट्वेंटी सेंटीमीटर और दूसरे की है सिक्सटी सेंटीमीटर अब इस लेंस का जो कॉन्वेक्स साइड है उसको सिल्वर कर दिया जा रहा है और एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पुट कर दिया जा रहा है अब आपको दो पॉइंट बताना है तो पॉइंट नंबर वन आपको बताना एक पिन कहां पर रखा जाए इसकी ऑप्टिकल एक्सिस पर जिससे कि इस पिन की इमेज है सेम जगह बने जहां पर पिन रखा हुआ है यानी कि ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह हो दूसरा पॉइंट आपसे बोल रहा है कि यदि इसके कौन के पार्ट को पानी से फिल कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में हमें उस पिन को कितना खिसकाना होगा जिससे कि उसकी इमेज और ऑब्जेक्ट फिर से सेम जगह बने आई होप प्रॉब्लम आपको क्लियर है तो आइए इसको सॉल्व कैसे करें समझते हैं इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग यूज करने वाले हैं सिल्वरिंग ऑफ लेंस तो आइए समझते हैं कैसे तो देखिए मान लीजिए आपके पास ये लेंस ये है ठीक है आपने इधर से इसको सिल्वर कर दिया है तो अब यहां से कोई लाइट यदि जाएगी तो वापस इधर ही लौट के आ जाएगी यानी कि इफेक्टिवली आपका मिरर की तरह काम कर रहा है ठीक है आपका काम कर रहा है मिरर की तरह नाउ इसको ध्यान से देखिए हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं कैसे मान लीजिए आपका ये रहा लेंस और ये रहा आपका मिरर ठीक है ओके okay. ना यदि लाइट रे यहाँ से कोई जाएगी तो इस लेंस को क्रॉस करेगी इस मिरर से टकराएगी और उधर से फिर से वापस आएगी राइट और फिर से इस लेंस से क्रॉस होगी और यहाँ पर जहां भी आपकी इमेज बन रही होगी बन जाएगी अब यदि आप ध्यान से देखो तो इस पूरी प्रक्रिया में दो बार लेंस का यूज हुआ है और एक बार मिरर का यूज हुआ है राइट यानी कि इनकी जो कन्वर्जिंग या फिर डाइवर्जिंग पावर होंगी उसका कुछ इस तरह से यूज हुआ है कि लेंस का दो बार और मिरर का एक बार तो यहाँ पर जो फॉर्मूला बनेगा आपका वो बन जाएगा कि इस सिस्टम की टोटल पावर इज इक्वल टू टू टाइम्स पावर ऑफ लेंस प्लस वन टाइम्स पावर ऑफ मिरर और पावर क्या होता है तीसरी बात ना यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपको नेचर देखना है जिंग या फिर डाइवर्जिंग फॉर एग्जाम्पल देखिए यह रहा आपका कॉनवैक्स लेंस राइट इसकी फोकल पॉइंट किधर है ठीक इस है Positive, right? और ये रहा आपका, concave lens, इस, इसकी फोकस किधर मिलेगी इधर लेकिन दोनों का नेचर सेम है क्या है दोनों का नेचर कन्वर्जिंग राइट right? तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ ऐसे एड करोगे

और जो डाइवर्जिंग सिस्टम है तो उसकी फोकल पॉइंट या पावर को मानिए पॉजिटिव राइट क्यों क्योंकि जो कन्वर्जिंग मिरर है उसकी जो लेंथ है है वो होती नेगेटिव और डाइवर्जिंग लेंथ लेंथ की फोकल होती है पॉजिटिव राइट आई होप आप समझ गए होंगे आइए आगे, आगे बढ़ते हैं नाउ एज यू कैन सी हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं जो कि पावर फॉर्मूला ही एक्चुअली राइट नाउ तो अभी हमें यहां पर पहले निकालनी होगी इसकी लेंस की फोकल लेंथ राइट नाउ यदि आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो आपके पास ये लेंस है ठीक है लाइट इधर से आएगी तो आर वन क्या हो जाएगा आपका ये वन ये वाला और आर टू हो जाएगा आपका ये वाला अब देखिए यहाँ पर आर वन की वैल्यू क्या है सिक्सटी सेंटीमीटर और आर टू की वैल्यू है आपकी ट्वेंटी सेंटीमीटर क्लियर इतनी सी बात ना तो आपका जो फोकल लेंथ निकालने का फॉर्मूला है वो आपको ऑलरेडी पता है ये वाला है राइट यहाँ पर आप लोग सिर्फ यूज करना होगा आपको आर वन और आर टू की वैल्यू पुट करेंगे आप और म्यू की वैल्यू गिवन है वन पॉइंट फाइव जैसे आप इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पर मिल जाएगी देखिए फोकल लेंथ ध्यान दीजिए यहाँ पर लेंस आया ठीक है और तो लेंस की फोकल पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस है ठीक है यहाँ पर आपको क्या याद रखना है इसका नेचर याद रखना है कि कन्वर्जिंग है या पर डाइवर्जिंग इतनी बात क्लियर है सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे अब मिरर की बात कर रहे हैं तो मिरर का क्या है देखो इस लास्ट सरफेस पे है ठीक जिसकी आर है आपकी ट्वेंटी तो फोकल लेंथ क्या होती है आर वाई टू अब यहाँ पर देखिए कुछ ये कुछ इस तरह से है राइट तो फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी यहां पर माइनस में राइट क्या हो जाएगी आपकी एफ एम इज इक्वल टू माइनस टेन की कन्वर्जिंग है ये भी अब इन दोनों का नेचर सेम है राइट अच्छा टोटल हमारे लिए क्या है मिरर की तरह काम कर रहा है तो जब मिरर की तरह काम कर रहा है तो ये जो लेंथ है इस तरफ की जो डिस्टेंस मिलेगी हम लोग इसको नेगेटिव मानते हैं राइट तो इस मिरर की फोकल लेंथ आनी चाहिए नेगेटिव इसके लिए हमने क्या किया जो कन्वर्जिंग चीजों को मान लिया है नेगेटिव अब ये भी लेंस आपका भी कन्वर्जिंग था और ये आपका मिरर भी कन्वर्जिंग है तो दोनों सेम नेचर के तो दोनों की वैल्यू हम लोग क्या करेंगे नेगेटिव पुट करेंगे ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए ये नेगेटिव आई थी और यहाँ पर ये नेगेटिव की तरह ही लिखा हुआ है बट यहाँ पर ये पॉजिटिव थी बट हमने इसको नेगेटिव करके लिखा है क्योंकि हमें नेचर के अकॉर्डिंग लिखना है क्लियर थी बात तो जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर इस सेटअप की फोकल लेंथ मिल जाएगी माइनस सेवन पॉइंट फाइव यानी कि ये मिरर है आपका कन्वर्जिंग मिरर है यहाँ तक क्लियर है अब आपसे पूछा गया था कि हम उस पिन को कहा रखें जहां पर उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बने तो जाहिर सी बात है मिरर में कहा रखते हैं मिरर रखते टू एफ पर राइट जैसे आप ऐसा करोगे तो आपको यहाँ पर फर्स्ट आंसर मिल जाएगा देखिए टू एफ पर रखने पर की वैल्यू मिल जाएगी आपको माइनस फिफ्टीन राइट यानी कि फिफ्टीन सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर क्लियर थी सी बात नाउ अब जो दूसरा पार्ट था उसमें आपसे बोला गया था कि यहाँ पर वाटर को फिल कर दिया जा रहा है राइट क्लियर थी सी बात

इसकी फोकल लेंथ कंसिडर कर सकते हैं, ठीक और हमारे पास इस वाटर के अलावा जो सेटअप था उसकी फोकल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है राइट हम लोग क्या करेंगे इस वाटर की पहले फोकल तो इस फॉर्मूले का यूज किया जो कि आप ऑलरेडी जानते हो राइट तो यहाँ पर जैसे आपने वैल्यू पुट की आपको मिल जाएगी यहाँ पर एफ डब्ल्यू इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी जो कि पॉजिटिव है यानी कि ये जो आपका वाटर का लेंस बन रहा है ये भी आपका कन्वर्जिंग है और आपके जो ऑलरेडी सेटअप था वो भी कन्वर्जिंग था राइट तो अब यहाँ पर आप बहुत ही आसानी से आपका जो पेन है उसकी इमेज उसी जगह बननी चाहिए जहां पर आपका पेन है राइट तो हमको कहाँ कर रखना पड़ेगा टू एफ पर टू एफ की, की वैल्यू गई आपको ये वाली तो यदि आप इन दोनों बातों को देखें तो आपका ऑब्जेक्ट पहले यहां रखने पर -15 पे रखने पर उसकी ऑब्जेक्ट और इमेज एक ही जगह बन रही थी अब बन रही है इस पर तो अब चेंज कितना आप करना पड़ेगा उस पिन की पोजिशन को इसका डिफरेंस राइट जो तो की आप यहाँ पे बहुत ही आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं आई होप वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना बोले थैंक यू एंड नाइस डे